मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विधानसभा शाहपुर के चंबी पहुंचने पर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य कमल शर्मा की अगुवाई में ढोल नगाड़ों की थाप पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के सदस्य कमल शर्मा ने कहा कि जिस तरह से भाजपा पार्टी ने चार प्रदेशों में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है, उसी प्रकार इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में भी भाजपा भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी व धर्मशाला की सभी 68 सीटों पर काबिज होगी। उन्होंने बताया कि आज युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों द्वारा मुख्यमंत्री का यहाँ पहुँचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जिस तरह से चारों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और यहाँ पर भी सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। और यहाँ पर आज हमें पता लगा था कि बस ऑपरेटर यूनियन और टैक्सी ऑपरेटर यूनियन द्वारा सीएम को सम्मानित किया जा रहा है, तो जैसे हमें इसकी सूचना मिली हमने कल प्रयास किया और यहाँ आपके सामने हैं सैकड़ों हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग उनके स्वागत के लिए मेरे साथ आए हैं और उनका हम धूम धमाके के साथ यहाँ स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री का यहाँ पे दौरा रहने वाला है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं जो उनके सामने रखी हैं? नहीं, हमारी ओर से तो कुछ मांग नहीं है, हम तो सिर्फ स्वागत के लिए आए हैं। मेरे साथ जो जितने भी कार्यकर्ता आए हैं हम मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। आपके सामने यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबी लाइन लगी है और सैकड़ों हजारों तक कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और हम अपने मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। वो हमारे विधानसभा शाहपुर क्षेत्र में आए हैं और इसी के साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आने वाले चुनाव है 6 महीने बाद जो हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से तैयार डटे खड़े हैं। और हम जैसे बाकी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, वैसे ही हम हिमाचल प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल दोबारा से सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में वहां प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से शिवांशु शुक्ला की रिपोर्ट।